बार हमने तुम्हारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींकाती है। हैं? भूत? दादी, भूत? देखा, देखा ना, हमारा शक सही था। तभी तो अकेले अकेले बतिया रहा था और ट्रक उठाने का पागलपन कर रहा था। अरे कहाँ पागलपन थी? हैं? कहाँ बतिया रहा था? कहाँ पागलपन चढ़ा है? देखो हमारे अंदर कोई भूत उठता है, हमारे अंदर तो पावर। अब हम समझे हैं कि हैप्पी भैया के अंदर जरूर किसी नेता का भूत घुस गया है। जब देखो तब पावर का ही भाषण करते हैं। अरे अरे कोई भूत होता है हमारे। आप एक काम कीजिए दायना जी, आप प्लीज ना कोई जोरदार टोटका कीजिए ताकि हम मुंबई पहुंचे उसके पहले इसके दिमाग से ये भूत उतर जाए। अरे हमने बड़े बड़ों का भूत उतारा है, इसका भी उतार दूंगी। मेरा नाम है तांत्रिक दायना, हमारे सामने कोई भूत आना। अरे अरे मार जा रहे, अरे अरे मार ये मार ये मत चाट से मार रे बाप, गोली ना इनको और कस के मारिए। अरे अरे मार मत मार, अरे 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 मार अरे अरे मार भैया, आप मार खाइए ना। बालपरी, बालवीर का हमशक्ल कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें उसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हैप्पी और उसकी फैमिली तो कहीं भी जा सकती है ना, ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम उसे? अब हमें वो शक्ति खोज यंत्र जल्दी से ठीक करना होगा, तभी उसे ढूंढ पाएंगे। अरे हल्का छोड़, एक मिनट एक मिनट, हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार पर भूत का असर है। हाँ पूरे परिवार के अंदर कैसे साबित करोगे? ऐसे अच्छी। देखो आई ना सबको ठीक, इसका मतलब सबके अंदर भूत है। ना ना हमें कोई भूत नहीं है। अरे हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते और व्रत भी रखते हैं, हम तो भूत नहीं पकड़ सकता। यही तो हम भी कह रहे हैं। ये जो ये दायना मैडम है ना, ये कोई तांत्रिक वांत्रिक ना है, ये तो हम पे छींक का पाउडर डाल रही है ताकि हमें छींक आए। हमारे अंदर कोई भूत होता है? हाँ ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का भूत बोल रहा है। हरिशंकर पांडे रुको, अभी इस मिर्ची का धुआं तुम्हारे ऊपर ऐसा डालेंगे कि तेरे भूत को नानी याद आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अटक मटक भटक भूत सारे भटक भटक भटक। अरे अरे ये क्या हुआ डायन जी को, क्या हो गया? हाँ कैसे हुआ ये? देखा, ये हमारे अंदर से भूत भगाना चाहती थी, अब भूत भाग रही है। तो चलिए फिर, ये तांत्रिक देवी फिर से कोई चीज का हम पर धुआं फेंके उसके पहले यहाँ से निकलते हैं। चलिए चलिए चलो चलो चलिए माजी, चलो 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 चलिए 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 चलिए। बच गए पापा, मुंबई में अपने मकान में रहेंगे ना? अब मकान वो तो अगर कानूनी पचड़े में नहीं फंसा होता ना तो वहाँ जरूर रहते। लेकिन अभी तो ये शादी वाली पार्टी ने जो इंतजाम किया है वहीं रुकना पड़ेगा। चलो 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 क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूंगा? एक बार सारे हमशक्ल जमा हो जाए उसके बाद हम आप सबको वीरलोक लेकर जाएंगे जहाँ आपको कोई छू भी नहीं पाएगा।
इन सब ने वीरलोक पर भरोसा किया है तो आप भी कर लीजिए। में तो हम सब की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं, ऐसा लग रहा है कि दर्पण में देख रहा हूं। पर अगर हम सब के अंदर इतनी समानता है तो क्या तुम्हारे पास ये दिल है? क्या तुम दोनों को उखद में बात है? क्या तुम दोनों को युद्ध कला में महारत हासिल है? युद्ध वो क्या होता है? हम जानते हैं आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर सात ब्रह्मांड हैं तो क्या सातों ब्रह्मांड के लोगों के बीच में पूरी समानता है? लेकिन ऐसा नहीं है। सातों ब्रह्मांड एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, ठीक पेड़ की पत्तियों की तरह। लेकिन जो चीज सेम है वो है आप सबका चेहरा, और इसलिए दीपू भैया की शक्ति का एक हिस्सा आप लोगों के अंदर आ गया। और काल इसी शक्ति को हासिल करने के लिए तुम लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है, और इसलिए हम आप सबको हमारे साथ वीर लोग ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। शौर्य, क्या चौथे हमशक्ल की धरती से कोई खबर आई? नहीं विवान, अभी तक धरती से कोई खबर नहीं आई है। तो उनके बिना हम वीरलोक नहीं जा सकते? आखिरी वक्त में तुमसे बात करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। शायद इसलिए तुम मुझे कानपुर के मंदिर में नजर आए। पंडित जी ठीक ही कह रहे थे, मैं ही तुम्हें नहीं जाने दे रही। इसलिए मैं 13 दिन तक ये दिया जलाऊंगी ताकि तुम्हें अपने ममता के बंधन से मुक्त कर सकूं। इसका मतलब ये कि देवो भैया की आत्मा अभी भी आसपास भटक रही है। अगर ये सच है
तो काश मैं एक बार ही देवू भैया से मिल पाती। अगर ऐसी बात है खुशी तो मेरे पास एक मेथड है देवू भैया को फाइनल गुड बाय कहने का। इससे क्या हम सच्ची देवू भैया से मिल पाएंगे? तुम लोग भूल गए क्या, टॉय कंपटीशन में ये मशीन वर्क करते करते रह गई थी। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है, सोल डिटेक्टर मशीन। लेकिन वहाँ पे तो ये मशीन काम नहीं कर पा रही थी। टेंटे मेरा मतलब चिंटी, एक साइंस एक्सपेरिमेंट जब फेल होता है ना तो उससे कुछ डेटा मिलता है, उसी डेटा को एनालाइज करके जब हम दूसरा साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो साइंस एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाता है और ये डिवाइस भी सक्सेसफुल ही हो जाएगा। बट ये डिवाइस काम कैसे करता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल फोन काम करता है। जैसे मोबाइल का सिग्नल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकता है, वैसे ही उसी मेथड से मैंने इस डिवाइस को बनाया है। So you mean radio frequency? Correct, Sutli. ये radio frequency देवू भैया से connect करेगी और उसके बाद हमें उनकी presence का पता चल जाएगा। एक question, तुम में से किसी को डर तो नहीं लग रहा ना? डर? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ध्यान से। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी देवू भैया से कनेक्ट करेगी ये कटोरी हिलने लग जाएगी। तो गाइस, क्या तुम रेडियो देवू भैया की स्पिरिट से बात करने के लिए? हाँ हाँ रिंकू, मैं देवू भैया से दोबारा बात करना चाहती हूँ। तो अब हम सब अपनी उंगली को इस कटोरी पर रखेंगे। है भारत नगर, बड़ी खूबसूरत जगह लगती है। वाह हैप्पी। अब हाँ खोलते भैया, आ जाइए। आय 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 आराम। हैप्पी यहाँ ज्यादा चपड़ चपड़ ना करना, यहाँ सारा का सारा बिजनेस डीलिंग हम करेंगे। हाँ ठीक है भैया, ठीक है भैया, हम समझ गए कि शादी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसलिए जो भी आइडिया हमारे दिल में आएगा हम उसे दबा के रखेंगे। देवू भैया अगर आप हमें सुन सकते हो तो प्लीज ये कटोरी हिलाकर हमें सिग्नल दीजिए। हाँ देवू भैया, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज देवू भैया आप सामने आ जाइए। अरे संभालिए। अरे अरे आप लोग कहे सामान उतार रहे हमारे ना। ठीक ठीक हटी, हम भी हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे चाचू संभाल के, ये तो हमारी बॉल है, एक साल पहले खो गई थी। तुम्हारी नहीं हमारी बॉल है। अरे तुम ये बॉल शर्त में हार गई थी। कौन सी शर्त, हमें कुछ नहीं याद। छोड़ो इधर दो। अरे नहीं कुकी इधर दो। अरे 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 घटना बंद करो, ये बॉल हमें दो। एक ही बॉल है ना, तो दोनों एक ही बॉल से खेल दियो। हैं ये रिंकू, हम यहाँ पे कितनी देर से फोकस कर रहे हैं, ये कटोरी तो हिल ही नहीं रही है। लगता है इस बार भी रिंकू का एक्सपेरिमेंट टाइट ऑफ फिस हो गया। हा, आओ जो, आहा, आओ जो। हेलो दिवाली जी, हम जॉली बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलो जॉली भाई। आप हमको
भारत नगर के गेट पे रिसीव करने आ सकती हैं। अरे लेकिन आप लोग तो दो दिन पहले ही आ गए मुंबई में। आपके रिश्तेदार की शादी में कोई कसर न रह जाए ना, इसलिए एक्स्ट्रा तैयारी करने आए हैं। यहाँ आके फूल, कैटरर, मुझे बारात, जनवासा, इस सब की तैयारी करने में वक्त तो लगेगा। बात तो सही है आपकी। सस्ते में अच्छा शादी करवा के देंगे आपको, इसीलिए जल्दी आए। आप वहीं पे रुके, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ आओ जो। फालतू में रिंगू ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई देवो भैया का भूत भूत नहीं आने वाला यहाँ पे। चिंटू, देवो भैया की आत्मा को भूत मत बोलो। और मेरे एक्सपेरिमेंट में टाइटर फिश नहीं। एनीवेज, अब हम अपनी एक उंगली इस कटोरी पर रखेंगे और दूसरा हाथ अपने दिल पर रख के देवो भैया को बुलाएंगे। ओके ओके ओके। लल्ला हो गया? हाँ, बस थोड़ा ही सामान बचे। चाचू थोड़ा बॉल पास करिए ना। अरे थोड़ा काहे, पूरा करते हैं। ई लो। देवू भैया प्लीज हमें आंसर कीजिए। देवू भैया प्लीज हमसे मिलने एक आखिरी बार आ जाइए। इस बार इन लोगों पे इतना इमोशनल अत्याचार होगा क्योंकि जब कोई चला जाता है और वो लौट के वापस नहीं आता। लेकिन चिंटी, कहीं अगर देवू भैया का भूत वापस आ गया तो? चिंटू, अगर तुमने देवू भैया को एक और बार भूत बोला ना तो मैं तुम्हारा भूत उतार दूंगी। चाचू, हम तो आपको बॉल पास करने को बोले थे, आप तो उसको हवाई यात्रा पर भेज दिए। हाँ, अरे कोई बात नहीं, हम पीछे वाली गली से गेंद लेकर आते हैं, तब आप लोग चिंता मत कीजिए। हैप्पी जी है तो बच्चों चिंता मत करो, आ जाएगा। जय श्री कृष्ण। जोली भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी। नमस्ते, नमस्ते। केम छो भाभी? ठीक है, ठीक केम। अरे नहीं नहीं नहीं, चले चले। वो रंगीला भाई किधर है? मेरा मतलब है वो रंगोली वाले भाई। वो अपना हैप्पी। हाँ, अभी आपके बगल में से तो गया था। पकड़ लिया, पकड़ लिया। रे महामहिम, ये कैसा हथियार है? देखिए देखिए, मेरी क्या दुर्दशा की है इसने। आप भी क्या दुश्मन को ऐसे थका थका कर हराने वाले हो? मैं तो बस यही चाहता था कि विमान और शौर्य सब भ्रमित हो जाए, ताकि बाकी बचे हुए हम शक्लों को वो एक ही जगह पे एकत्रित कर दे। क्या तुम महिमकार, आप मुझे जुगनू के पीछे कुत्ते की तरह क्यों दौड़ा रहे थे? ताकि मुझे तेरी फालतू पकपक ना सुननी पड़े। महामहिम, अगर आप प्यार से बोलते तो मैं अगले 40 दिनों तक मौन व्रत रख लेता। खैर ये बताइए महामहिम कि आपके बाकी के 4 हमशक्लों को एक साथ जमा करने की आपकी योजना सफल हुई या नहीं? Ma
आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। काल की योजना कभी असफल नहीं होती, ये बात याद रखना मौका मौका। तो चलिए महामहिम, उन चारों हमशक्लों का एक साथ ही क्रियाक्रम कर देते हैं। रुक, अभी वहां पर सिर्फ तीन हमशक्ल है, विवान भी चौथे हमशक्ल का इंतजार कर रहा है। उन चारों के एक साथ आने के बाद ही हम हमला करेंगे। यानी एक ही झटके में शह मात और प्राण घात। वाह महामहिम वाह। अब मुझे महाशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।